नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। चैंप्स एलसीज पर भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पास्ट किया। तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुई। पीएम मोदी ने खड़े होकर भारतीय सेना के दस्ते की सलामी ली। इसमें भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट का 77 मार्चिंग दस्ता और बैंड के 38 जवान भी शामिल रहे। भारतीय जवानों की पीएम इससे पहले परेड के लिए पहुंचे। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रों ने रिसीव किया था। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमारत के पास क्षतिग्रस्त नाले का निरीक्षण किया। साथ ही एलजी भी मौजूद रहे। इसी बीच सीएम केजरीवाल और एलजी ने मीडिया से रूबरू होते हुए संबोधन किया और कहा कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है हम सफल होंगे। यमुना का बहाव बहुत तेज है, उसे रोकना जरूरी है। यह समय किसी को दोष देने का टिप्पणी करने का समय नहीं है। अभी हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। खुद भी देखा है कि पानी यमुना का आईटीयू की तरफ जा रहा है। ये गेट नंबर 12 जो है यहाँ का, उसमें ब्रीच हुआ है। यहाँ आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। आर्मी की टीम यहाँ पर है, वो वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तरफ सैंड बैग्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि वाटर फ्लो को रोका जाए, दूसरी तरफ प्लेट्स आ रही हैं उनको भी लगाया जाएगा, पत्थरों को लाया जा रहा है उससे इम्बैकमेंट्स बनाए जाएंगे और आर्मी अपना काम कर रही है जो गेट्स बना रही है और उनको लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज है उसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि सिटी के अंदर पानी न जाए, इसी के सारे प्रयास हो रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इसमें उत्तर प्रदेश अपना अग्रणीय योगदान देते हुए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं वाले प्रदेश के रूप में उभरा है। यूएस की आबादी की 4 गुना आबादी भारत में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडो यूएस सेतु के ग्लोबल फाउंडेशन के साथ हुए इस पार्टनरशिप के लिए सरकार उत्सुकता के साथ पूरा सपोर्ट करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में यूएस के इनोवेशन स्टार्टअप के लिए एक अच्छा माहौल है। उत्तर प्रदेश ने अपने स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हमारे स्टार्टअप स्थापित हुए हैं उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने तमाम रिलैक्सेशन दिए हैं, उनको प्रक्योर करने के लिए भी हमने एक व्यवस्था दी है और इसमें अन्य जो भी रिलैक्सेशन देने होंगे गवर्नमेंट उसको देगी। हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें उसको प्रोत्साहित करना होगा। जेम में उनकी रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ पे भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट की व्यवस्था की है जिसमें प्रोक्योरमेंट हम उसी के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसमें अगर स्थानीय स्टार्टअप है तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग हर प्रकार का सहयोग करेंगे। भारत ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस पूरे कोविड मैनेजमेंट का जो बेहतरीन प्रदर्शन हमने देश के अंदर किया, 24 से 25 करोड़ की आबादी तो उत्तर प्रदेश की है, लगभग 6 करोड़ की आबादी अदर स्टेट की भी यूपी पे निर्भर करती है अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में देश के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए रहा है। और अगर आप भारत का परिणाम भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रदर्शन किया वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए एक उदाहरण है। खासतौर पर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाना, उत्तर प्रदेश
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हितों में हमने कई क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। छठा वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी समान वृद्धि की जाएगी। जब से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है, कर्मचारियों के हितों में भी हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। जनवरी से लेके जून तक का महंगाई भत्ते का एरियर हम 3 समान किस्तों में देंगे। वो सारे कर्मचारी जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। हमने 2014 में ये फैसला भी किया था कि हम अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान भी देंगे जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अब हमने ये फैसला भी किया है कि हम अपने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान भी देंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक। वहीं मुरादाबाद में महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 15 जुलाई तक इंटर तक के सभी विद्यालय बंद रखने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार यानी 17 जुलाई को दिल्ली रोड, काट्स रोड और रामपुर रोड मार्ग से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इंटर तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने जारी किया है। देखिए, कल 15 जुलाई को शिवरात्रि पड़ रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी विद्यालय जनपद के कल बंद रहेंगे। अप टू इंटरमीडिएट कॉलेज तक के सभी विद्यालय कल बंद रहेंगे। जहाँ तक 17 तारीख की जो द्वितीय सोमवार पड़ रहा है उस दिन की बात है, उस दिन मुरादाबाद शहरी क्षेत्र, कार्ट रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड के जो 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विद्यालय हैं इंटरमीडिएट कॉलेज तक के, वो बंद रहेंगे। बाकी सर, सोमवार है लास्ट, दूसरा सोमवार रहेगा, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है, जो विभिन्न मार्ग, इसमें ज़्यादातर हमारे कांवड़िए, जो मेजॉरिटी कांवड़िए हैं, वो हरिद्वार से आते हैं, कुछ गढ़मुक्तेश्वर से आते हैं। तो इन दोनों रोडों पर सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है और विभिन्न सेक्टर बांट करके वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इसके अलावा साफ सफाई की, लाइट की, ये सब की व्यवस्थाएँ जगह जगह सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, प्रदेश सरकार जहां उद्योगपतियों के लिए तरह तरह की सुविधाओं, प्रोत्साहन योजना चला रही है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली जिला प्रशासन की संवेदनहीनता का खामियाजा फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। मामला नगर पालिका के मिल एरिया थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर मामूली बारिश के चलते जलभराव होने की वजह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लगभग 5 दर्जन से अधिक फैक्ट्रियों के साथ साथ आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले के लगभग 5,000 से अधिक आबादी जोखिम में जान डालकर गड्ढा युक्त सड़कों से गुजरती है। इंडस्ट्रियल और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अगर जल्द सड़क नहीं बनवाई गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है, पीछे नाले हैं वो भी साफ नहीं हो रहे हैं, और जरा सी भी बारिश हो रही है तो गड्ढे भर जाते हैं। उसके बाद ये दुकान है हमारे सामने, यहाँ पे पानी भर जाता है, दुकान के अंदर भी अभी पिछले हफ्ते पानी भरा था, और आने जाने में समस्या होती है, लोग यहाँ पर गिरते हैं गड्ढों की वजह से। अच्छा दीपक जी, किस चीज़ की दुकान है आप? सर, हमारी दुकान मोबाइल शॉप की है, मोबाइल। ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी सर। और प्रदेश सरकार लगातार जो है वो निवेश को बढ़ाकर उद्योगों की सुविधाएँ दे रही है। जी सर। तो किस नज़र से देख रहे हैं, क्या ये हो रहा आश्वासन है? जी सर, हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है। इस समय गाड़ियाँ आती जाती हैं तो गड्ढे हैं, जल भराव होता है। इस बारिश में भी नहीं, हर सीज़न यही हाल होता है। गांव है दीपक जी, कितने गांव की आबादी सर? इसमें यहाँ तो अभी 7-8 गांव पड़ते हैं, करीब इसी रोड से गुजरते हैं 7-8 गांव के आदमी आते जाते हैं। कितने की आबादी होगी दीपक?
सर यहाँ पर मान के चलिए अभी जो हमारे नज़दीकी गांव गार्जियन का प्रभाव पड़ता है इसमें सर मान के चलिए 1000। वहीं बुद्धिनगर में हल्की बारिश होने पर ही अधिकांश शासकीय कार्यालय अस्पताल परिसर और स्कूल के परिसरों में जमकर पानी भर गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निर्माण करने वाली एजेंसियों की पोल भी अब खुलती नजर आ रही है। विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार सामने नजर आए हैं। स्थानीय लोगों में कल दिन भर ये चर्चा का विषय बना रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए के विकास की बात करते हैं, 18 सालों में कितना विकास हुआ। रोड के ऊपर पानी भरने के कारण कल दो पहिया वाहन रोड पर गिरते नजर आए। बारिश होने के कारण ये पानी अधिक मात्रा में भरा हुआ है। निकासी न होने के कारण ये पानी भरा हुआ है और चूंकि हम बच्चे लोग भी आते हैं, किसान भी आते हैं, रश्मी होती है तो बुजुर्ग भी आते हैं, इसकी निकासी होना चाहिए। लोग बहुत परेशान हुए आज और इसको ठीक भी। वहीं पिछले 7 दिनों के दौरान विदिशा शहर और जिले भर में दुपहिया कांड को लेकर हंगामा मचा हुआ था, अब शांत होता नजर आ रहा है। दरअसल शाम 5 बजे लगभग दोपहरिया के गोस्वामी परिवार के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और SP दीपक शुक्ला से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने गांव के रहवासी समाज के लोगों और दूसरे सहयोगियों का सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कांड को लेकर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। इसी संबंध में उन्होंने कलेक्टर से भी सहयोग की अपील की। हालांकि इसके साथ उन्होंने घर के मुखिया की आत्महत्या के पीछे जिन 3 व्यक्तियों के नाम का सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपने सहयोग दिया मेरी स्वर्ग पुत्री एवं स्वर्ग पति की मौत के जिम्मेदार सलाखों के पीछे हैं। मैं सभी सामाजिक संगठनों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने विपत्ति के समय हमारे परिवार का साथ दिया। शासन द्वारा मेरे परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी, एक बच्चे को रोजगार का पुख्ता आश्वासन दिया है, साथ ही घर देने का आश्वासन दिया है। प्रकरण सुसाइड नोट में जांच के लिए भेजा गया है। जिला प्रशासन द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हमारे परिवार में पिता और पुत्री की मृत्यु हुई है और हम सभी लोगों के खिलाफ हमारी मांगें उचित कार्रवाई प्रशासन द्वारा। वहीं कटनी के झिंझरी चौकी क्षेत्र गुलवारा ब्रिज के पास एक ट्रक छत्तीसगढ़ पासिंग रोड के किनारे फंस जाने की वजह से ट्रक के ड्राइवर क्लीनर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक में गोवंश भरे हुए थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गोवंशों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं गोवंशों से भरे ट्रक की सूचना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली तो मौके पर पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब ट्रक के अंदर देखा तो ट्रक में गोवंश भरे हुए थे, जिसकी सूचना कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची झिंझरी पुलिस प्रभारी नीरज दुबे ने घायल गोवंशों को इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा, जहां घायल गोवंशों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ पासिंग के ट्रक के अंदर लगभग 20 से अधिक गोवंशों की मौत होनी बताई जा रही है। झिंझरी पुलिस ने ट्रक को थाने में खड़ा कर लिया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। एक छत्तीसगढ़ पासिंग ट्रक जो अपना ये बाईपास है उसमें गुलवारा ब्रिज के पास ऐसा एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक गाड़ी फंसी हुई है जिसमें गोवंश लोड है, जिसमें अपने कुछ कार्यकर्ता और वहाँ संबंधित गुलवारा के ग्राम पासी जब पहुँचे तो देखे कि अधिकतर गाय उसमें मर चुकी थी, जिसको तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। झिंझरी थाना प्रभारी नीरज दुबे जी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ उन गाय को उतारा गया। 20 से अधिक गोवंश मृत था। जो गोवंश बचा हुआ है वो भी इतनी ऐसी स्थिति में है कि जिंदा रहने की संभावना नहीं है। जो गोवंश घायल है उसका इलाज कराया जा रहा है। गाय कहाँ से आ रही थी? अभी ये जानकारी नहीं लगी क्योंकि ट्रक में कोई पकड़ा नहीं गया है किसी प्रकार का कोई व्यक्ति। उसमें गाय की तस्करी का जो तरीका था, बीच में गोवंश था और उसमें चारों तरफ भूसा की बोरी एकदम भरी हुई थी जिसमें सावधान रहें, सतर्क रहें। यमुना नदी का बांध टूटने से लोनी के ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं।
मजदूर और उद्योगपति सभी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बांध के टूटने से यमुना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र ट्रोनिका सिटी के आसपास के इलाकों में से होकर यमुना नदी बहना शुरू कर चुकी है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसका असर यहां पर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 45 सालों का रिकॉर्ड यमुना नदी ने तोड़ दिया है और अपने आगोश में आसपास के इलाकों को ले लिया है। अपना रास्ता बदलती हुई नजर आ रही है यमुना नदी। लोग यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर शरण लेते नजर आ रहे हैं। ये बात के औद्योगिक क्षेत्र ट्रोनिका सिटी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर पानी ने अपना आतंक मचा कर रखा हुआ है, और तस्वीरों में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मजदूर तबके के लोग हैं वो अपने काम पर जाने में असमर्थ हो चुके हैं, और वहीं उद्योगपति जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चिंता में डूबे हुए हैं कि उनका कितना नुकसान होगा। मैं उनसे बात जानना चाहूँगा आखिर। और क्या नाम आपका? मेरा नाम तस्लीम खान है। तस्लीम जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं पावी का रहने वाला हूँ, सटा हुआ है पावी रोड के उधर, पावी का रहने वाला हूँ। तो क्या समस्या उत्पन्न हुई है यहाँ पर, कहाँ आप खड़े हैं इस समय? इस टाइम में हम खड़े हुए हैं जो थाना ट्रोनिका सिटी की सीटैन चौकी आपके सामने जस्ट बगल में है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जैसा आप सब लोग स्थिति देख सकते हैं पानी की, पानी बढ़ता ही जा रहा है, और बांध जो टूटा था पानी के तेज बहाव के कारण वो और खुलता जा रहा है। तो अभी जो संभावना है पानी की और बढ़ने की संभावना है। जैसे पानी बढ़ रहा है उससे क्या असर रहेगा लोगों पर या उद्योगपतियों पर यहाँ के? देखो उद्योगपति तो मुझे जहाँ तक जो सच्चाई है उद्योगपति पर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वेल मेंटेन है तरीके। कहीं ना कहीं चिंता में तो होंगे, क्योंकि चिंता में तो है बिजनेस को लेकर, सब चिंता में। लेकिन जो सबसे खास असर पड़ेगा वो मजदूर तबके के लोगों पर असर पड़ेगा, जो बेचारे महीने के 4-5 हज़ार सैलरी कमाते हैं, जो बाहर बाहर से आए हुए हैं। अब वो ना अपने वहाँ जा पाएंगे शायद, ना वो यहाँ के रह पाएंगे। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहूँगा कि और थोड़ा शिविर कैंप बना के लोगों को यहाँ से निकाले। जो दिल्ली वाला बदरपुर था वो पूरा डूब चुका है, करीब करीब वहाँ सब लोग निकल चुके हैं। बराबर में यूपी वाला बदरपुर लगता है इधर, जो औद्योगिक क्षेत्र है। क्या लोनी डूब जाएगी इस पानी से? लोनी अभी तक स्थिति से लगता है, अगर यही चलता रहा कल तक डूब जाएगी लोनी। इन्होंने आखिर बताया कि किस तरह से यहाँ पर मजदूर जो तबके के लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं, और अपना जीवन यापन करने के लिए भी मजबूर हैं कहीं ना कहीं, और उद्योगपति भी बहुत चिंतित हैं इस स्थिति को देखते हुए। और शासन प्रशासन से इन्होंने मदद की गुहार की है कि लोगों की हर हाल में मदद की जाए। आरा न्यूज से मैं सुधाकर चौहान, लोनी, गाजियाबाद। वहीं बिहार में बीजेपी विधायक संजय सिंह को मार्शल ने पटना में बिहार विधानसभा से बाहर निकाला, जिसके बाद विधायक ने कहा कि मैं कल की घटना का विरोध कर रहा था, मैं पीठ दिखाकर ये बात कर रहा था कि देखिए कैसे आपकी सरकार ने हमारे लोगों पर बर्बरता पूर्वक तरीके से लाठी चलाया है, मुझे बस ये दिखाना था कि तुरंत अध्यक्ष ने मार्शल को बाहर करने का निर्देश दे दिया, मुझे जबरन उठाकर बाहर फेंक दिया गया। देखिए हम कल की घटना का विरोध कर रहे थे, हम बता रहे थे, अपने पीठ दिखाते, देखिए कैसे कल बर्बरतापूर्ण तरीके से आपके सरकार ने लाठी चलवाया हम लोगों पर। ये केवल दिखाना था कि अध्यक्ष ने तुरंत मार्शलों को बाहर करने के लिए कहा और हमको जबरन उठा करके बाहर फेंक दिया गया। सर में चोट लगी है, मार्शलों ने बेतरतीब तरीके से, अध्यक्ष ने जितना उन लोगों को डायरेक्शन दिया है पहले से लगता है कि जाओ इन लोगों की हत्या तक कर दो। इस ये निकम्मी सरकार बिहार के अंदर सदन में हम लोगों को नहीं बोलने दिया जा रहा है, सड़क पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये आपातकाल बिहार के अंदर लागू कर दिया गया है। देखिए हम कल की घटना का विरोध कर रहे थे, हम बता रहे थे, अपने पीठ दिखाते, देखिए। वहीं विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शुरू से ही कह रहे थे कि चर्चा के लिए फ्लोर मिला है, विपक्ष का एक ऐसा कोई सदस्य नहीं जिसने कहा हो सदन पूरी तरीके से चलाए। पटवारी परीक्षा केंद्र की जांच मामले में भी नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पहले राहुल गांधी को बर्बाद किया और अब प्रियंका से झूठ बुलवा रहे हैं। देखो मैं प्रारंभ से कहता रहा हूं कि चर्चा के लिए ही फ्लोर मिला है, और मैं आप सब मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं कि आप साक्षी हैं दूसरे दिन के, तीसरा साक्षी है सदन की कार्यवाही।
जो लिखित में होती है। कोई एक जना बता दो जिसने कहा हो कि चर्चा कराओ, सीधा हो अल्लाह हुआ, सीधा हंगामा शुरू कर देते हैं। पता नहीं कौन सी परंपरा है जो सदन चर्चा के लिए मिला है वहां हो अल्लाह करते हैं, जो सड़क हो अल्लाह के लिए वहां चर्चा करने लगते हैं। ये कांग्रेस के लोग उहापो में है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, अफरा तफरी का माहौल है कांग्रेस में। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। इसके लिए हम SIT गठित कर रहे हैं और ये SIT के बाद में हम ऐसे एप्लीकेशन चिन्हित भी कर रहे हैं जिनके नंबरों से उसको धमकी आई थी, जिनसे उस पर दबाव डाला गया था। कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें हम, इस तरह के एप्लीकेशन हैं जो लोन वाले, उन्हें हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको बैन किया जाए। हम सर्वर टेलीग्राम की भी जानकारी इन सब की इकट्ठी कर रहे हैं जिससे उन्हें बैन किया जा सके। थाने में कोई शिकायत नहीं की थी इसने और ऐसा उसने की नहीं थी, मैंने जानकारी ली है। वो वकील के पास गया था और वकील से उसने इस तरह की बातचीत की थी और उसके बाद लौट गया था। कमलनाथ जी, पहले तो आपने अपनी ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, इसमें राहुल गांधी जी को मटिया मैट कर दिया, अब प्रियंका गांधी से भी ये झूठ का ट्वीट करा दिया। कमाल के, और खुद दुबई निकल गए बाकी सबको छोड़ के। कल सुबह भी मैंने एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया, एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया। 1000 लोगों की आपने बात करी कि 1000 लोग पास हो गए, अगर 114 से 115 भाई आप बता दोगे ना 15 लाके, तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपको और मेरी चुनौती को स्वीकार करो और लाके बताओ। हद होती है झूठ की, ऐसी कुत्सित राजनीति जिसमें नौजवानों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हो कि 25 में से 25 नंबर पाए हैं अंग्रेजी में, आप 24 लाके दिखाओ एक KV और मंच पर लगाओ सामने आमने। नौजवानों के पास ये बात जानी तो चाहिए किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ये प्रदेश के अंदर की जा रही है। जनाधार खो चुकी कांग्रेस, 20 साल से हार रही कांग्रेस। आप एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति है अशोकनगर का, जो इस परीक्षा में खुद फेल हो गया, कॉल डिटेल निकलवा लो दिग्विजय सिंह से, कितनी बात हुई है उसकी, उसके कंधे पर रखकर आप ये गेम जो खेल रहे हो ये बहुत गलत गेम है। और मेरी चुनौती को स्वीकार करो, आओ, आप जितने सवाल करोगे एक एक सवाल का जवाब है हमारे पास में, एक एक सवाल का जवाब है।